ठीक है अभिषेक, आप बोल रहे हैं कि रिजल्ट अगर पहले डिक्लेयर किया जाएगा, बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर लगा रहे हैं। शिवम आपसे इस पर जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी पूरी है। सीएम पुष्कर धामी ने ऐलान किया, उत्तराखंड में शीघ्र लागू करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए होगा समान कानून। ये धामी की तरफ से कहा गया है, उत्तराखंड के सीएम की तरफ से। और यूसीसी पर धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है, कहा है कि एक देश में एक कानून जरूरी है, विरोध करने वाले देश में एकता नहीं चाहते हैं। एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए, इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट फूट जो है फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी, एक विधान एक कानून होना चाहिए। वैसा मामले को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, अब शरद पवार साहब का भी बयान देखें तो उन पर भी सवाल उठा दिए गए कि उन्होंने सिखों पर दाव खेल दिया, इसलिए इस तरीके से बात कह रहे हैं। किस सिख नेता ने कहा, किस जैन नेता ने कहा, किस बौद्ध और ईसाई नेता ने कहा, ये बताइए। शरद पवार खुद ही नेता बने जा रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्टू बने जा रहे हैं, वो कहां सिखों के प्रतिनिधि हो गए, वो कहां जैनों के प्रतिनिधि हो गए। यही राजनीति है जो कि इन समुदायों को खामखा इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब दूसरी बात, एक बात और इसमें आई थी, ठीक है कि एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लीजिए सर, वक्त कम है। यहां धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, यह कहा जा रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का अधिकार आपको रहेगा, और विवाह में भी समान नागरिक संहिता लाई जा रही है, तो ये नहीं सब। चलिए ठीक है सर, अब वक्त की कमी है सर। सर माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। विषय का आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी जाते जाते बोला कि रिजल्ट तो पहले से ही घोषित है, परामर्श की क्या जरूरत है, वन लाइन में आप बताइए ऐसा क्यों आपको लग रहा है। नहीं नहीं, जिस तरह से बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बातें कहते हैं या अन्य नेता प्रवक्ता कहते हैं, उससे साफ तौर पर लगता है इन लोगों ने मन बना लिया है कि हमें ये चीज लागू करनी है। तो फिर हमें लगता है कि सबको एक मूर्ख बनाने का प्रयास हो रहा है कि आइए अपने सुझाव दीजिए, अपने राय दीजिए, हम इन चीजों को एनालिसिस करेंगे, तब हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। आपको लगता है शिवम रिजल्ट आने वाले वक्त में 3 जुलाई को होने वाली बैठक के बाद ये सुर बदल सकते हैं? TV9 भारतवर्ष ने एक निर्णय लिया कि 12 बजे हम एक बुलेटिन करेंगे और ये तय है। कुछ लोगों ने उसमें सुझाव दिए, कुछ ने कुछ अगर और सुझाव दिए, इसका ये मतलब तो नहीं है कि प्लान ड्रॉप कर दिया जाए कि वो बुलेटिन ही नहीं आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की एक कमिटमेंट है और लोकतंत्र का यही तरीका है। सरकार कोई मसौदा कोई बिल लेकर आती है, चर्चा करती है विपक्ष से, लेकिन अगर विपक्ष उस बात को मना करता है तो बिल ही ना उठाया गया कि एक कानून में आके डर क्या है, और इस तरीके की बयानबाजी के साथ साथ ये डर फैलाने की बात क्यों कही जा रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, वक्त की कमी थी, आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से इस पूरे पर करुणा तर्क सामने आ रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी लिहाज से ये चर्चा भी की जा रही है। बड़ी खबर पर हमारी नजर है, आगे भी इस बारे में देंगे आपको अपडेट।